हरियाणा के रेवाड़ी में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। रेवाड़ी की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर निशाना साधेंगे। कुछ देर में पीएम रेवाड़ी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। रेवाड़ी में पीएम शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स की आधारशिला तो रखेंगे, साथ ही हजारों करोड़ की सौगात हरियाणा वासियों को देंगे। पूरा तैयारी यहां पर कर दिया है। मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यहां पर पहुंचेंगे और आप देखते हैं कि किस तरह से जो हरियाणवी कल्चर है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि लोगों में जोश है, क्योंकि चुनावी साल भी है और काफी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। क्या कहेंगे? हम 63 बस लेके आए हैं और मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। ये मेहंदी बीकानेर मंडल अध्यक्ष करेगा। मोदी के नाम पर वोट मिलेगा? मोदी के नाम पर मिलेगा। क्या आपको लग रहा है हरियाणा में काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। सरकार काम कर रही है? काम कर रही है। हाँ जी, हरियाणा में सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार काम कर रही है? हाँ जी, काम बहुत कर रही है। हरियाणा में सबसे पहले तो हमारा मेडिकल सीट ले दिया रेवाड़ी की पूछ करती, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है और भी लेने की सोच रहा है। लेडीज को 33% आरक्षण दे दिया और गांवों की लेडीजों को खतर बहुत काम दे दिया है। महिलाओं के लिए अच्छे काम हुए? बहुत अच्छे काम हुए महिलाओं के लिए। मोदी जिंदाबाद। कोई जरूर मिली थी, लेकिन अगर बैठक की बात करें तो देखिए, तीसरे दौर की बैठक थी, 5 घंटे चली और बैठक में 17 किसान नेता शामिल हुए, 3 केंद्रीय मंत्री थे और 2 पंजाब सरकार के नुमाइंदे, पंजाब सरकार के मुखिया भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि पंजाब सरकार भी इसमें एक पार्टी है और इसलिए वो लोग वहां पर पहुंची हुई थी। जैसे ही बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले किसान नेताओं ने जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है उसको लेकर आपत्ति जताई, तो उस पर आपके कृषि मंत्री उनको समझाते हुए दिखाई दिए, ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। लेकिन पूरी बैठक में सबसे ज्यादा जो पेच फंसा रहा वो एमएसपी को लेकर था, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर था और लखीमपुर जैसे मामले पर भी सरकार मानती हुई दिखाई दे रही है। किसान नेताओं से सहमत दिखे तीनों मंत्री, लेकिन एमएसपी को लेकर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी हमें इसमें समय चाहिए, थोड़ा टाइम बाय करना चाहती है सरकार, लेकिन सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर पीछे नहीं हट रही है।